नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगल है और मैं चंडीगढ़ में अपना होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा हूँ पिछले तकरीबन 13-14 सालों से। माय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ, कुछ मिथ्स, हालांकि हम लोग इसमें इस टॉपिक पर कई बार बात कर चुके हैं, बट आज मैंने अपना एक स्किन का केस मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो जो पेशेंट था वो केवल 3 साल का बच्चा, सफरिंग फ्रॉम एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एंड देयर पेरेंट्स दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम पीजीआई इटसेल्फ फॉर लास्ट 2.5 ईयर्स। और 2.5 साल से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अभी बच्चा जो है एटरेक्स सिरप और सो मेनी टाइप ऑफ सिट्रिजन डेरिवेटिव्स एंड इवन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम हैव ऑल्सो बीन गिवन। और ये सब चीज़ें लगाने के बाद, खाने के बाद, खिलाने के बाद भी जो बीमारी है, जो डिजीज़ कंडीशन है बच्चे की, वो फ्लरिश होती ही जा रही है। अगर 4 दिन उसको एट्रैक्ट सिरप ना दिया जाए तो पूरी तरह से फ्लरिश हो जाती है। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, पेशेंट के जो सवाल हैं वो मैं सवाल आपके साथ यहाँ पर, सवाल और साथ में उनका जवाब आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कोई सवाल हो तो उसको अपना जवाब मिल जाए। पेशेंट का पहला सवाल ये था कि क्या डॉक्टर साहब, होम्योपैथी से ये दवाई देने के बाद एलोपैथिक जो मेडिसिन दी है उसका जो असर है, उसके असर के साथ होम्योपैथी का असर जो है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, होम्योपैथी का अपना एक डिफरेंट पाथ है जिस पे वो काम करती है, डिफरेंट एक सिस्टम है जिस पे काम करती है। एलोपैथिकली जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उसका एक फिजियोलॉजिकल प्लेन पे वो काम करती हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं ये एनर्जी बेस्ड मेडिसिन्स हैं, माइक्रो डोजेस में दी जाती हैं और इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं है, पहली चीज़। दूसरा सवाल मोस्टली जो होता है, जो उनका भी था, कि क्या होम्योपैथिक दवाई जब हम देते हैं तो उससे स्किन की प्रॉब्लम हमारी बच्चे की और बढ़ तो नहीं जाएगी? माय फ्रेंड्स, आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा रोशनी डाल रहा हूँ मैं बस। 2.5 साल से जिस बच्चे की बीमारी को बार 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 क्रीम लगा करके दबाया गया, मेडिसिन्स स्ट्रॉन्ग स्टीरोइड बेस्ड मेडिसिन दे करके दबाया गया, सिट्रीजिन जैसे डेरिवेटिव्स इतने छोटे से बच्चे को, एट्रेक्स जैसे डेरिवेटिव जो बच्चे को नहीं भी दिए जाने चाहिए वो भी बच्चे को दिए जा रहे हैं, तो क्या उसके बाद अगर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाएगी और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है अगर उसके अकॉर्डिंग हम होम्योपैथिक मेडिसिन में, आज हमारे पास LM पोटेंसीज में मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि डाइल्यूशन बेस्ड मेडिसिन होती हैं, माइक्रो डोजेज में हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो उसमें साइड इफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। यस, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है? जहां आपको ऑलरेडी आप सफर कर रहे हैं किसी एलर्जिक कंडीशन से। फॉर एग्जांपल, आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है और आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया है, आप कभी भी आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाया लाइफ में कि आपको ये किस चीज से प्रॉब्लम होती है, तो समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट पैरासिटामोल लेता है तो भी उसको अर्टिकेरिया हो जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई पोटेंसी लेता है तो भी उसको अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। तो अगर उस तरह के कोई पेशेंट में प्रॉब्लम है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, क्या स्किन डिजीजेस में होम्योपैथिकली हम अब इस बीमारी को कितने दिनों में ठीक कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पेशेंट की इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट करते हैं। कंडीशन और सर्कमस्टांसेस सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है, घर का माहौल अलग अलग होता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, किसी की परिस्थितियां कैसी हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आपको अंदर से व्यक्ति कितना पॉजिटिव है, स्ट्रेस फैक्टर कैसा है, ग्रूमिंग किस तरीके से हो रही है, हाइजीन कंडीशन कितनी मेंटेन्ड है, डाइट फैक्टर जितना हम बताते हैं पेशेंट को जिस तरह की डाइट लेने के लिए, क्या पेशेंट उस तरह की डाइट जो प्लान्स हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करता है, तो ये सब चीज़ें बीच में काउंट होती हैं। यस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस, आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशंस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस और सिंपल एक्जिमा एंड टिल सोरियासिस वल्गैरिस एंड ल्यूकोडर्मा फुलवेरी, ये सब चीज़ें भी क्योरेबल हैं और स्किन डिजीज में होम्योपैथी से बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये आज हमारे पास जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हमारे पास अपने केसेस लेकर के आते हैं या हमारे पास भेजते भी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि अब आपको होम्योपैथी में ही दवा खाना पड़ेगा, वहाँ से आपको परमानेंट रिलीफ होगा। तो माय फ्रेंड्स, ये आज का जो कॉमन सब्जेक्ट है कि हमें अपनी जो भ्रांतियाँ हैं, अपने मन से जो भी आपके शुबे हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप निकालें और क्लियर कट माइंड से आप होम्योपैथी को एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाएं।
क्योंकि अभी होम्योपैथी जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आ रहा है, लेकिन ये केवल कुशलता हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए, डेक्सटेरिटी, ये जो नॉलेज है ये हमें खुद डेवलप करनी होगी। तो आज ये जो वीडियो है, ये व्यूवर्स जो हैं वो कोई भी हो सकता है, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनके लिए भी ये वीडियो काम करेगा कि हमें होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना ही है। सो माई फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द मिथ्स एज वेल एज द फैक्ट्स ऑफ होम्योपैथी। थैंक यू वेरी मच।